हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 29 अगस्त, मंडे। और आज मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं। बेसिकली सुबह मैंने मार्केट ओपन होते ही निफ्टी का फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय किया था, जिसको मैंने 10 बजे के आसपास यहाँ पर बुक कर लिया है। तो बुकिंग करने की, बाय करने की रीज़न आप सभी को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बोल ही रहा था कि 17,300 की काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, कि अगर यहाँ पर अगर कोई भी डाउन साइड अगर हमें देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मार्केट एक बार 17,300 पे सपोर्ट ले सकती है। बट आज गैप डाउन ओपनिंग से मार्केट ने 17,300 तोड़ने के बाद मार्केट ने काफ़ी तगड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी, जिसके बाद एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। मतलब कि जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट कर रखा है और पहले से 18,000 के लेवल से शॉर्ट किया हुआ है, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस नोशन के साथ, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड ली थी और वहाँ पर वो हुआ भी। मार्केट ओपन होने के बाद अच्छी मार्केट ने मोमेंटम दिखाया और जैसे ही मार्केट यहाँ पर 10 बजे तक मोमेंटम में थी, मैं भी अपनी ट्रेड में बना रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे 9:15 बजे मैंने ऑर्डर डाल दिया था और 10:05 पे एग्जिट किया। ठीक है, 10:05 पे यहाँ पर थे हम। ठीक है, तो 10 बजे तक क्या हुआ, मार्केट वन साइड मोमेंटम में थी। यहाँ पर मार्केट ने एक दोजी टाइप कैंडल फॉर्म करी, जो कि था कि अब मार्केट इंडिसिसिव हो गया, अब मार्केट एकदम से ऊपर जाने की हालात में नहीं है शायद। तो नेक्स्ट कैंडल का मैंने और वेट किया, नेक्स्ट कैंडल फिर से दोजी कैंडल बनी, जो कि मुझे एक इंडिकेशन दे रही थी अब कि मार्केट या तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकती है वापस नीचे को, या फिर मार्केट साइडवेज जा सकती है। तो मैंने 10:05 पे यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। राइट, देन मैंने फिर से थोड़ी सी और वेट करी, 5-10 मिनट और वेट करी, तो मैंने देखा कि 4 कैंडल्स मार्केट की ऐसी साइडवेज बन रही हैं। तो अब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट अगले 1-1.5 घंटे के लिए साइडवेज रह सकती है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर अपनी ऑप्शन सेलिंग के अंदर निफ्टी की 200 पॉइंट नीचे की पुट और 200 पॉइंट ऊपर की ऑलमोस्ट कॉल यहाँ पर सेल कर दी। 200 पॉइंट की क्यों सेल करी, क्योंकि अगर मैं निफ्टी 50 का अगर स्ट्रैडल देखता, निफ्टी 17,300 पे थी, तो 17,300 का मैं टोटल अगर प्रीमियम देख रहा था वहाँ पर, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का था। तो 200 पॉइंट की मेरे पास प्रीमियम रेंज आ रही थी, तो मैंने 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे की यहाँ पर कॉल और पुट सेल कर दी, जिनका प्रीमियम ऑलमोस्ट 47-48 रुपीज़ के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट फिर वही जो मेरा आइडिया एक्सपेक्टेड था, मार्केट वैसे ही साइडवेज रही और हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 3-4 हज़ार रुपये का। तो उसके बाद मार्केट ने अभी एकदम से ये पुलबैक दिखाया है, तो जिसकी वजह से एकदम से कॉल डाउन हो गया और पुट के अंदर स्पाइक आया। इससे पहले प्रॉफिट इतना ही चल रहा था, लेकिन हाँ, मार्केट के डाउन जाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को MTM में। लेकिन अगर मार्केट अब एकदम से और डाउन जाती है, तो मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मेन एडजस्टमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एडजस्टमेंट मैं क्या करूँगा, अगर ये जो पुट है ये 50 रुपीज़ से बढ़ के 55 से ऊपर जाती है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी कॉल है जो मेरी, ये कॉल को एग्जिट करूँगा और मैं यहाँ पर 17,450 की कॉल को बेचूँगा। ठीक है, जिससे कि मैं कॉल साइड में प्रीमियम ज़्यादा ले पाऊँ और मार्केट अगर दोबारा से नीचे जाती है, तो मुझे वहाँ पर बढ़ कॉल, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रीमियम वाली कॉल बेची होगी तो उधर मुझे फ़ायदा होता रहेगा। तो मेरे को ये पुट अगर नुकसान भी देगी, तो कॉल मेरी कंपनसेट कर देगी और मेरा MTM वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं, बाकी जो अपडेट होता है वो मैं आपको बताता रहूँगा।